आपने देखा सुबह सब मैंने दिखाया आपको, बालकनी वगैरह सब क्लीन हो गई है। मैं उठ गई थी कुछ 8 बजे, आज संडे का दिन है तो आज 8 ही बजे उठी, क्योंकि कल हम लोग गए थे, आपने देखा था मेरा पिछला व्लॉग, मॉल वगैरह गए थे तो वहाँ से थोड़ा लेट हो गया तो, और मेरा ना बहुत तेज़ सर दुख रहा था तो मैंने 2 गोली खाई है पेन किलर। मुझे पता है मतलब गलत है 2 पेन किलर खाना, लेकिन मेरा इतना यहाँ तक दर्द आ गया था तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर मैंने 2 पेन किलर खाई और हम लोग सोते सोते 1 बज गया था रात के। तो मैं अभी 8 बजे उठी तो फिर मैंने पूरे घर में फिर क्लीनिंग करी, पौधों में पानी दिया, झाड़ू पोछा लगाया, बालकनी साफ़ करी। उसका शूट क्या लेना तो वो मैंने नहीं लिया, आपको घर साफ दिखा दिया था। और अब मैं नहा के आई हूँ, अब पूजा करनी है पर पहले मम्मी पूजा करेंगी तो मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ सब्जियाँ काट के रखी थी, तो सब्जियाँ काट के रख लो ना तो आराम मिल जाता है। तो बस आज मेरा प्लान है कि मैं इडली सांभर बनाऊँगी, अरे थोड़ा टाइम लगा मिला तो अब मैं सोच रही हूँ, वरना इडली सांभर तो बनाना ही है। तो सब्जी वगैरह सांभर की मैंने काट ली थी, दाल सुबह ही उठते साथ पहला काम भिगो दी थी तुअर की, अरहर की। तो अब बस चलते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। और आज संडे है लेकिन अपनी की एक ऑनलाइन क्लास है, उसके पहले मुझे सब नाश्ता वगैरह उसको देना है। फिलहाल तो वो लोग सो रहे हैं, अभी मम्मी उठ गई हैं और मम्मी अपना सब तैयारी हो रही है पूजा वगैरह की, तो मैं जाती हूँ किचन में फटाफट क्योंकि अपनी को ऑनलाइन क्लास के पहले नाश्ता कराना है। तो चलिए फिर मैं आपके साथ जो भी है शेयर करती हूँ। चलिए तो देखिए, बस आपसे बात करने के बाद मैं झट से किचन में आ गई हूँ और जो सब्जियाँ मैंने कल रात को काटी थी ना, यानी कि सैटरडे रात को, तो वो सारी सब्जियाँ मैं फ्रिज से पहले बाहर निकालूंगी। ये देखिए, ये आज बनने वाला है सबसे बड़ी बात, इडली सांभर। ये इडली जो बैटर का पेस्ट है ये मैं ले आई थी एक दिन पहले यानी कि कल, क्योंकि ये इंस्टेंटली मिल जाता है सुपरमार्केट से तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, तो यही बना लूँगी, बस मैं इसी से बना लूँगी, अब पे भी इडली हो जाएगा सबका। और ये है सब्जी कटी हुई, आपको याद होगा मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा आपने तो मैंने ये सांभर की सब्जी कट करके रखी थी। बैंगन है, थोड़ा सा बैंगन है, थोड़ी सी लौकी है, गाजर है थोड़ी सी, और बस इतना ही है। और ये हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, करी पत्ता, राई, इन सब की तो पड़ेगी छौंक, तो ये सब्जी थोड़ी सी काटी थी। ज़्यादा सब्जी भी नहीं डालूंगी वरना फिर बहुत सब्जी आती है। और ये इमली को मैंने भिगो के रख दिया था, ये देख सकते हैं आप, इसको बस मैश करके पल्प निकालना है। और दाल भिगोई दी थी सुबह सुबह उठती, तो थोड़े से इडली बनाने का सोचा है, थोड़े से अप्पे, और जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि अवनी की ऑनलाइन क्लास है तो उसके पहले मुझे ये सब कुछ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना और फिर मैं आप लोगों के साथ आगे भी। हाँ, और मैंने याद है आप लोगों को, मैंने गाजर घिस के रखी थी इतनी सारी और अभी तक हलवा बनने का नौबत नहीं आई है, वो फ्रिज में रखी हुई है तो कल ही घिसी थी यानी कि सैटरडे को, और आज संडे है तो अब आज देखिए बनाना है हलवा। लेकिन उसके लिए दूध थोड़ा कम लग रहा है घर में, नहीं तो खोया लाना पड़ेगा मुझे जाके बाहर अभी, तो देखते हैं, तो मिल्क मेड खोया कुछ तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि दूध में कमी है घर में, तो देखिए क्या होता है उस तरीके से, क्योंकि आज ही संडे है, आज बनाने का नहीं करा तो फिर कल से फिर ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो बस यही है, जल्दी से शुरू करते हैं और फिर आपके साथ जो भी है मैं। तो सबसे पहले जो मैं ये बैटर लाई थी ना नीचे मार्केट से, तो ये बिल्कुल फ्रेश बैटर रोज सुपरमार्केट में आके रखते हैं वो लोग, बिल्कुल घर का ही बना होता है। एक किसी ने तो ये खोल के रखा है बिजनेस, वो लाके उस सुपरमार्केट में लाके दे देते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। और इसकी जो इडलियाँ और अप्पे है ना, बहुत ही प्लफी, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने देखिए 2 भागों में इडली का बैटर बांटा है, एक भाग से मैं इडली बनाऊंगी और एक भाग से मैं बनाऊंगी अप्पे। तो अवनी और हम सबको ही इडली और सांभर और अप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो सांभर बना रही हूँ तो मैं चटनी नहीं बनाऊंगी। सांभर जब बनाती हूँ तो चटनी फिर हम लोगों को इतना अपील नहीं करता है, सांभर से ही खा लेते हैं। तो ये देखिए, छोटे छोटे प्याज, छोटे छोटे टमाटर और हरी मिर्च मैंने पहले ही चॉप्ड करके रख लिए थे, तो बस यही फ़र्क होता है कि अगर आप पहले से सब तैयारी कर लो ना तो अगले दिन आपको बहुत मेहनत आपकी आधी हो जाती है और काम भी टाइमली हो जाता है। तो एक जो कटोरे में, भोल में मैंने बैटर निकाल के रखा है, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक और डेगी मिर्च डाल के रख दी है। और एक जो इडली का है उसमें भी मैंने थोड़ा सा प्याज, टमाटर और डेगी मिर्च डाल के रख दी है। आज इडलियाँ उस हिसाब से बनाऊंगी कि थोड़ी सी स्टफ्ड इडलियाँ उस हिसाब से बन जाएंगी, वरना तो सादी इडलियाँ ही बनती हैं।
तो ये बना के बैटर को मैंने अलग रख दिया है दो बोल में, और अब मैं शुरू करती हूँ सांभर बनाना। सांभर की जो सब्ज़ी है वो मैंने पहले ही कट कर ली थी, आपने देखा ही था। प्याज टमाटर मैंने कट नहीं किया था, तो प्याज टमाटर मैं अभी इंस्टेंटली देखिए कट कर रही हूँ। तो फटाफट सांभर में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है, तो एक जगह में एक प्लेट में तड़के की तैयारी करके रख लूँगी, जैसे कि राई, करी पत्ता और प्याज टमाटर कटी गया है, और इमली का जो इमली है वो मैंने भिगो के रख दी है, तो बस उसका पल्प निकालना बाकी है। तो सांभर तो फटाफट अभी बन जाएगा, ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और ये है सांभर मसाला जो कि मैंने आपको अभी पैकेट दिखाया। सांभर मसाला तो मस्ट होता है सांभर जब बनता है तो। और ये फटाफट मैं अभी देखिए इमली को का पल्प निकाल लूँगी जल्दी जल्दी से, और एक छन्नी से छान लूँगी, तो खाली उसका खुज्जा बच जाएगा, पल्प मैं निकाल लूँगी। सांभर में तो ये सब बेसिक चीज़ें ये तो ज़रूर पड़नी चाहिए, वरना सांभर में मज़ा ही नहीं आता है। और ये मैं निकाल रही हूँ इडली का, जो जिसमें इडली बनाऊँगी। ये देखिए ये बहुत अच्छा है मेरा इडली का बर्तन, और बहुत अच्छी इडलियाँ बनती हैं। और ये अप्पे का बर्तन है, ये अप्पे का बर्तन तो मैंने डी मार्ट से लिया था, और जो इडली का ये जो बर्तन है ये मैंने नीचे सुपर मार्केट है वहाँ से लिया था। तो देखिए फटाफट मैं इडली का जो बर्तन है इसमें ग्रीसिंग कर दूँगी ऑयल लगा के, तो फटाफट इडलियाँ शुरू हो जाएंगी बननी। सांभर अभी तक नहीं बनाया है, एक बार मैं इडली चढ़ा दूँ ना साइड से, तो इडली एक तरफ होती रहेगी और सांभर उसके बाद मैं करूँगी शुरू बनाना, क्योंकि इडली में ना टाइम लगता है। तो एक बार इडली अगर मैंने डाल दी तो एक तरफ इडली होती रहेगी और एक तरफ मेरा सांभर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फटाफट मैं इडली के जो खांचे हैं इसमें इडली का बैटर डाल रही हूँ, और नीचे मैंने पानी भर दिया है इडली के बर्तन में, और एक टुकड़ा नींबू का डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, इडली का जो बर्तन है वो काला नहीं पड़ता है। तो ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर नहीं किया है तो। और ये देखिए इडली को तो चढ़ा दी मैंने, झट से चढ़ी हुई है वो, देख सकते हैं आप इडली। और ये है अप्पे के लिए बर्तन, ये बहुत अप्पे का बर्तन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है एक्चुअली, मैंने डी मार्ट से लिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, थोड़ा इसमें ना अप्पे जल्दी से चिपक से जाते हैं। तो मैं एक अच्छा सा अभी लूँगी, क्योंकि अप्पे देखिए हमारे यहाँ बनते ही रहते हैं, तो एक अप्पे का मैं जो बर्तन है वो लेकर आऊँगी अच्छा सा, जो अच्छी क्वालिटी का थोड़ा। और ये देखिए एक तरफ अप्पे चढ़ा दिए हैं और एक तरफ इडली चढ़ा दी है। तो बस अब ये दोनों धीरे धीरे होते रहेंगे और मैं अपना अब सांभर की तैयारी में लग जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने बड़ा सा कुकर ले लिया है और जो दाल भिगो के रखी है, ये देखिए दाल भिगो के मैंने सुबह उठते साथ ही पहला काम करा दाल भिगो दी थी। दाल डाल दी है कुकर में, ये सारी सब्जियाँ देखिए डाल दी हैं, और अब मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी। बाकी तड़का तो बाद में लगेगा, नमक और हल्दी डाल के इसको 3 से 4 सीटी देनी है। और दाल क्योंकि भीगी हुई दाल है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 2-3 सीटी में ही बल्कि ये हो जाएगी। इसको एक बार हल्के से मिक्स कर देंगे और इसको फटाफट अब सीटी लगा देंगे, तो बस 3-4 सीटी में हो जाएगा। और आपको मैं घर में दिखा देती हूँ क्या चालू है। ये देखिए मम्मी आई हैं नहा के और अपना स्किन केयर कर रही हैं, और अब वो पूजा करने बैठेंगी बस थोड़ी ही देर में। अवनी अपनी स्टडी कर रही है, तो ये है हस्बैंड अपना लैपटॉप में कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। तो बस यही है घर का जो व्यू है, एक तरफ सांभर चढ़ा है, एक तरफ इडली चढ़ी है, एक तरफ अप्पे चढ़े हैं। तो फटाफट आज इडली सांभर का नाश्ता हम लोग कर लेंगे। तो ये देखिए मैं चेक करने आई हूँ, तो अप्पे देखिए एक तरफ से हो गए हैं तो मैं उनको पलट रही हूँ। तो ये देखिए वैसे तो अप्पे पलटने के लिए एक स्टिक आती है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो मैं मेरे पॉइंटेड जो नाइफ है ना उससे ही काम चला रही हूँ। ये देखिए फटाफट मैं इसको पलट दूँगी। और इडली सांभर अवनी को बहुत पसंद आया था, और एक्चुअली सच बोलूँ तो उसका फेवरेट है वो, जब भी उसको लगता है वो बोल देती है मम्मा आज इडली सांभर और अप्पे बनाओ, तो बनता ही रहता है ये। तो देखिए एक तरफ जो अप्पे का लॉट मैंने निकाल दिया है, और ये इडली का भी लॉट एक हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इडली बन के रेडी हुई है। इसमें इस बार मैंने प्याज टमाटर डाला था ना, तो ये देखिए थोड़ी कलर चेंज हुआ है इडली का, तो वाइट नहीं तो वरना तो वाइट इडली बनती है, लेकिन मैंने चॉप्ड प्याज और चॉप्ड टमाटर डाल दिया था, तो थोड़ा सा इडली का कलर आपको चेंज लग रहा होगा। और इडलियाँ कितनी आसानी से बाहर आ रही हैं, क्योंकि बैटर बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत एक तो फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छी स्पॉन्जी इडलियाँ बनती हैं।
तो बस यही है, अभी यही सब चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक लॉट और लगा दिया है इडली और अप्पे का, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ दोपहर के लिए थोड़ा सा सैलेड काटने के लिए। टाइम था मेरे पास थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो जब तक इडली सांभर हो रहा है और मैं अभी फ्री हूँ, और तो क्यों ना मैं दोपहर के लिए थोड़ा सैलेड कट करके रख लेती हूँ। तो जितना काम निपटा लो ना, और अगर आप थोड़ा सा भी फ्री होके बैठ गए तो आलस आ जाता है, तो इसलिए इन द मेन टाइम जो काम हो जाए वही अच्छा है। तो देखिए मैंने गाजर, मूली और क्यूकम्बर लिया है सलाद के लिए। देखिए मेरा सलाद भी कट गया और इधर दाल भी हो गई सांभर की। तो इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा थोड़ा बीच में काम कर लेना चाहिए। और ये कितनी अच्छी घुट के रेडी हुई है दाल। और एक तरफ मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दिया है ऑयल, और ये डाला करी पत्ता और राई। ये हल्का सा तड़केगा तो इस पर मैं खूब सारा प्याज और हरी मिर्ची डाल दूँगी। सांभर में ना जितना भी सब्जी प्याज पड़े बहुत टेस्टी लगता है, सांभर का अलग ही टेस्ट आता है। तो इसमें देखिए खूब सारा प्याज, वो भी मैंने लंबा लंबा काटा है, चॉप्ड नहीं करा है, क्योंकि हम सभी को सांभर में मोटे प्याज मोटी टमाटर मुंह में आए ना तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय चॉप्ड करा हुआ। तो ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते ही रहते हैं। तो बस यही है कि देखिए डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और ये कम से कम एक चम्मच भर के सांभर मसाला डाला है मैंने। तो और ये है डीगी मिर्च कलर के लिए, तो इसको अच्छे से देखिए भूनेंगे। और ये है पल्प, ये है इमली का पल्प, और ये गई छौंक दाल में। तो खूब बढ़िया सांभर बन के रेडी हुआ था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया था खा के। तो सांभर बन के रेडी है, इडली और अप्पे भी बन के रेडी हैं। और ये है नौर का सूप, हॉट एंड सोर वेजिटेबल सूप, जो कि अवनी बनाने वाली है। देखिए अवनी आ गई है किचन में, और ये एक बड़ा पैकेट है, इसमें ना हम सब चार जनों का आराम से हो जाएगा। तो अवनी को शौक़ है बनाने का, तो मैं अभी मना नहीं करती हूँ, तो संडे का दिन है, कोई टेंशन नहीं है, वो बना देगी। तो अभी उसकी ऑनलाइन क्लास में वक्त था, और देखिए इडली सांभर मैंने कितना टाइमली रेडी कर दिया है। तो सूप उसको बनाती है, संडे संडे बना लेती है। और ये नौर का जो होते हैं ना पैकेट्स, ये हम लोग एक साथ बाज़ार जाते हैं जब राशन का सामान आता है ना, तो एक साथ ले आते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के आते हैं, टोमेटो आता है, मशरूम आता है, चिकन भी आता है इसमें, वेजिटेबल्स के भी आते हैं, तो अलग अलग वैरायटी ले आते हैं। तो ये देखिए इसने नाप से ना, हम चार जने हैं तो नाप से पानी लिया है और पैकेट को डाल दिया है, और थोड़ा सा ऊपर से ये नमक डालती है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा नमक डाल दो ना तो सूप का स्वाद और टेस्ट उसका एनहांस हो जाता है। तो ये देखिए डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है कि लम्स ना पड़े। तो और बस यहाँ पे आ गई हैं मम्मी इडली सांभर देने झट से। पहले सबसे पहले अवनी को देंगी क्योंकि उसकी क्लास है, तो फटाफट वो एटलीस्ट अपना नाश्ता फिनिश कर दे, नहीं तो क्लास का टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे अब आई हैं मम्मी चाय बनाने के लिए, ये देखिए चाय बनेगी। और आज हुआ ये कि हम लोगों ने अपनी पहली चाय आज रह गई, क्योंकि अवनी की क्लास थी, तो मैंने फटाफट कहते हैं ना हाथ चलाया नाश्ता बनाने के लिए, तो चाय रह गई है। तो अब क्या करेंगे ना हम चाय और नाश्ता एक साथ ही कर लेंगे, क्योंकि देखिए अवनी को तो दे ही दिया है, वो अपना खा रही है नाश्ता। और मम्मी ने फिर वही बोला कि ऐसा करते हैं रचना, कि अब टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो ऐसा करते हैं चाय और नाश्ता एक साथ ही कर लेते हैं। वरना जनरली क्या होता है कि सुबह हम लोग सुबह की चाय एक बार पी लेते हैं, क्योंकि नाश्ता थोड़ा रुक के करते हैं, तो इसलिए। मगर आज टाइम ज़्यादा हो गया था तो सोचा कि चलो एक साथ ही कर लेते हैं। तो ये देखिए बस मम्मी अभी चाय परस रही हैं, तो अब हम लोग चाय पियेंगे। और इन द मेन टाइम मैंने मेरी पूजा कर ली थी मम्मी की पूजा के बाद, उसका मैं शूट नहीं ले पाई क्योंकि आज भड़बड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा ही भड़बड़ थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, क्योंकि इसकी क्लास अगर रहती है ना सुबह तो फिर भड़बड़ हो ही जाती है। और ये देखिए मम्मी बस सबको नाश्ता परस रही हैं, अप्पे और इडली, और ज़बरदस्त नाश्ता बना था, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया था। सांभर ज़्यादा बन गया था तो वो हम लोग दिन में खा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, रखा रहेगा, कुछ भी ख़राब नहीं होता है, फ्रिज तो है ही। तो बस यही है, अब नाश्ता करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बस बताइएगा फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। और ये देखिए सूप परस दिया है मम्मी ने, चाय पी ली थी हम लोगों ने,
तो बस बताइएगा कैसा लगा हम लोगों को, मेरा छोटा सा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और जो न्यू विज़िटर्स हैं वो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के मत जाया करिए, एक सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा दिया करिए तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और तो अपना आप लोग फ्रेंड्स ध्यान भी रखिए, मेरे व्लॉग भी देखते रहिए, खुश रहिए, और हम लोग बस अब नाश्ता करेंगे, आप लोग भी एंजॉय करिए। बाय एंड टेक केयर।